दिल से सोल्जर दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है हम। देखो डायलॉग काफी ज्यादा सेक्सी सा है, मतलब हाँ डायलॉग को देखकर लग रहा है कि इसमें कुछ बात है। खाली डायलॉग के अंदर हिंदुस्तान वर्ड आ गया है, इसलिए किसी भी यूट्यूबर ने इसे क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं किया है। भाई मैं सबकी वीडियोस देख के आ रहा हूं, किसी ने भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला है। देखो सभी को पता है कि ये मूवी सुपर हिट होने वाली है। अब देखो मैं ऐसा डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूं कि मूवी सुपर हिट हो ही जाएगी, हिट भी हो जाएगी तो चलेगा, बस पैसा आ जाना चाहिए, 1000 करोड़ के आसपास कमा ले तो बहुत है। बाकी यूट्यूबर्स के मुंह बंद करने के लिए 1000 करोड़ काफी है। और देखा जाए तो मूवी के अंदर AI और VFX हमें बहुत भर भर के देखने को मिलेगा। हाँ ये VFX शॉट काफी सिंपल सा लग रहा है। इन VFX को लेकर मैं मूवी के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज इंडिया में रेड चिली के अलावा VFX कोई भी अच्छे से नहीं करता है। BMCM में ये अच्छे से हो जाए काफी अच्छी बात होगी। लास्ट टाइम गणपत मूवी के अंदर VFX वाला पार्ट काफी ज्यादा गंदे थे, तो यहाँ पे भी VFX से रिलेटेड इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलेंगे। एंड हाँ यहाँ पे मैं किसी चीज की तारीफ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ स्टार्टिंग काफी अच्छी है। पृथ्वीराज सुकुमारन की वॉइस ओवर के साथ में टीजर की स्टार्टिंग होती है, और वही टीजर के अंदर प्रलय आने की बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है। देखो हाँ उनके बोलने पर लगता है कि हाँ कल ही प्रलय आ जाएगा घर पे चाय पीने के लिए। अब देखो टीजर को देखकर साफ आइडिया लग रहा है कि मूवी AI रोबोटिक्स के ऊपर होने वाली है। अब चलो मान लेते हैं कि तुम इस मूवी के विलन हो। हाँ तुम, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। अब तुम मूवी के विलन हो और तुम्हारे पास में है पैसा अथार, और तुम एक जीनियस हो, साइंटिस्ट हो, तुम्हारे पास में बहुत सारा दिमाग है। हाँ इन रियलिटी वो नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास में है। अब चलो आज तुम सोच ही रहे हो कि तुम दुनिया तबाह कर लेते हो, प्रलय ले आते हो, इसके लिए तुम AI जनरेटेड रोबोट्स को बनाओगे, और इस काम को तुम खुले में तो करने वाले हो नहीं। इस काम को करने के लिए तुम्हें चाहिए खुफिया अड्डा, यानी एक टर्नल। हाँ तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि इस मूवी के अंदर, इस टर्नल के अंदर ही सब कुछ गेम होने वाला है। हाँ तो मतलब अगर ऐसा हुआ कि दुनिया तबाह करने की बात हो रही है, प्रलय आने की बात हो रही है इतनी बड़ी बड़ी, और मूवी की स्टोरी खाली एक टर्नल के अंदर खत्म हो जाएगी, तो कैसा लगेगा? काफी अनसेटिस्फाइंग फील होगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है शायद मेरे हिसाब से। तो अली अब्बा सफर के साथ में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे, क्योंकि विकास भल के साथ में भी ऐसा ही किया था हमने, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में बहुत बेकार काम हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। एंड बात करते हैं हमारे हीरोज के ऊपर, अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ। देखो ये मूवी AI वगैरह इनके ऊपर नहीं घूमने वाली है, ये मूवी है टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार के ऊपर, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ऊपर। मेनली मूवी के अंदर इन दोनों की बॉन्डिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कन्वर्सेशन को दिखाया जाएगा, उनकी बॉन्डिंग को दिखाया जाएगा, बहुत ही अच्छे से ब्रो कोड दिखाया जाएगा। एंड मूवी के अंदर कॉमेडी भर भर के देखने को मिलेगी, गारंटेड है। मूवी के फर्स्ट हाफ में तुम्हें कॉमेडी एकदम मस्त लेवल की देखने को मिलेगी, उनकी सिचुएशनशिप्स देखने को मिलेगी। और क्या तुम्हें नहीं लगता है टीजर को देखते हुए तुम्हें टर्नल काफी बार देखने को मिली है? हाँ दूसरी बातें छोड़कर मुझे टर्नल ही बार बार देखने को मिल रही है। खैर अब जो भी मूवी के ट्रेलर में हमें काफी सारी चीजें खुलती हुई नजर आ जाएगी। अब इसी पर तुम्हारा क्या थॉट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक मैं सोलो लेवलिंग का 3rd एपिसोड देख के आता हूँ।